हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस भाई गरिमा सिंह। हम लोग आज यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, तो आइए देखते हैं। और ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो आजकल, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये किस पार्ट में आता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सनी परचेज्ड 40 kg राइस एट द रेट ऑफ ₹10 पर kg। ही सोल्ड 40% पार्ट ऑफ होल क्वांटिटी एट 7% एंड 7% लॉस एंड 33 1/3% ऑफ रिमेनिंग एट 13% प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये पहली लाइन जो लिखी है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। सबसे पहले आप देखो, 40% और 33 1/3%। तो 40% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 2/5, और 30 मतलब 40/100 की वैल्यू क्या निकलेगी? 2/5। और 33 1/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में होती है 1/3। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही इसी ट्रिक से सॉल्व करोगे, अदरवाइज ये 30 सेकेंड में क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 15। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि टोटल क्वांटिटी हमारे पास 15 है। अब केजी में बात कही गई है ऊपर फर्स्ट लाइन में, तो हम मान लेते हैं कि टोटल क्वांटिटी कितनी है? 15 kg। अब क्वेश्चन पढ़िए कि 40% पार्ट ऑफ होल क्वांटिटी एट 7% लॉस। उसने जो भी क्वांटिटी थी उसका 40% 7% के लॉस पे सोल्ड कर दिया, बेच दिया। ठीक है, तो ऐसे बना लीजिए। अब 40% का मतलब होता है 2/5, तो 2/5 × 15 करोगे तो क्या आएगा? 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6। ठीक है, 6 आ जाएगा, समझ गए? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 kg। अब ये 7% के लॉस पे बेच रहा है, तो 7 × 6 = कितना हुआ? 42। माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये लॉस को दिखा रहा है। इसके बाद 33 1/3% को वो बेच रहा है 13% के प्रॉफिट पे, तो 13 1/3 का मतलब होता है 1/3। अब 15 का नहीं करेंगे। अब देखिए, 15 में से 6 निकल गए, बचा कितना? 9 kg बचा। अब 9 का 1/3 करिए, क्योंकि अब जो रिमेनिंग है उसका वो 33 1/3% बेच रहा है 13% के प्रॉफिट पे, तो रिमेनिंग कितना है? 9। उसका 1/3 निकालोगे तो आएगा 3। तो 3 kg कितने परसेंट के? 13% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब प्लस का 39। ठीक है, 13 × 3 = 39, प्लस का 39 ये शो कर रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब इतना क्वेश्चन हो गया। अब क्या बोला है? कैलकुलेट द गेन परसेंट अर्न बाय सनी ऑन द रिमेनिंग क्वांटिटी। ठीक है, 15 kg में 6 kg यहाँ यूज हो गया, फिर बचा 9, 9 में 3 kg यूज हो गया, तो 9 में 3 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? अभी भी 6 kg बच रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि इस 6 kg को वो क्या कर रहा है? प्रॉफिट में बेच रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है उस पे। तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो कितना प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है यही हमको बताना है। लेकिन उन्होंने आगे क्या बोला है? टू अर्न 3% प्रॉफिट इन ओवरऑल बिजनेस। मतलब ये जो ओवरऑल बिजनेस है 15 kg का, इस ओवरऑल बिजनेस पे वो 3% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 15 × 3 अगर आप करोगे तो मिलेगा 45 मिलेगा। अब इसको और इसको
मिला के आपको 45 सम मिलना चाहिए। अब प्लस के 39 में माइनस का 42 करोगे तो क्या आएगा, 40, 41, 42, माइनस का 3 मिलेगा और आना कितना चाहिए 48, 45। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 48 लिख दें तो यहाँ पे इन दोनों को करने पे माइनस 3 आ रहा था, 48 से अगर 3 माइनस हो जाएगा बचेगा 45 जो हमें लाना था, ठीक है। अब यहाँ पे 48 कैसे आएगा, इस यहाँ पे क्या प्रॉफिट परसेंट होगा, क्या गेन परसेंट होगा कि 48 आ जाए। तो 6 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8%, 8 6 48। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 8%, क्या है आंसर 8%। तो हमें ये 8% निकालना था कि ओवरऑल बिजनेस पे उसे 3% का गेन मिल रहा है, मतलब 45, तो इन तीनों का एड 45 होना चाहिए। वो कब होगा, जब हम यहाँ पे 48 लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे माइनस 3 आ रहा था, तो 48 लिख दिया, 48 में 3 माइनस होगा 45 आ जाएगा। तो 48 के हिसाब से यहाँ 6 है यहाँ 48 है, तो 6 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 48 आ जाए, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे। इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो इसको फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹625। प्रॉफिट अर्न किया है जब हमने एक आर्टिकल को ₹625 में सेल किया है, और ये 11.11% ज्यादा है किससे, द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल ऑफ दिस। अगर हम आर्टिकल को 625 पे सेल कर रहे हैं और दूसरा एक आर्टिकल है जिसको हम 435 पे सेल कर रहे हैं, तो जब हम 625 को सेल कर रहे हैं तो हमें उस पे 11.11% ज्यादा मिल रहा है इससे, ठीक है, इसके लॉस से ज्यादा मिल रहा है। इस पे 435 पे जब सेल कर रहे हैं तो जो लॉस मिल रहा है वो लॉस की जो क्वांटिटी है उससे 11.11% वो ज्यादा है जब हम आर्टिकल को 625 पे बेच रहे हैं, ठीक है। अब तो सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए 11.11% को फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/9, और बात करी गई है प्रॉफिट और लॉस की, तो इसका मतलब कि प्रॉफिट है हमारा 10 और लॉस है हमारा 9, ठीक है, इनका सम हमारा क्या हुआ 19। इतना क्लियर है, पहले वाले आर्टिकल को बेचा 625, दूसरे वाले आर्टिकल को बेचा 435, इसको माइनस करिए 190। तो अब ये जो 19 आया है, ये 19, ठीक है, तो इस 19 की वैल्यू 190 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी 10 से मल्टीप्लाई करिए तो प्रॉफिट 100, फिर इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करिए लॉस 90, ठीक है। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, ऑन विच प्राइस ही मस्ट सेल द आर्टिकल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है, तो किस प्राइस पे वो सेल करे कि उसे प्रॉफिट कितने का हो जाए 10% का, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे, सीपी इज इक्वल टू होगा एसपी माइनस प्रॉफिट, तो एसपी क्या है 625, प्रॉफिट 100, माइनस होके मिलेगा 525। अब हमें 10% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो 100 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 110/100, ठीक है, ये निकाल देंगे तो हमें 10% प्रॉफिट पता चल जाएगा, जीरो से जीरो कट गया। अब किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करने है तो उसकी ट्रिक होती है, लास्ट वाले नंबर को लिख लीजिए 5,
फिर लास्ट वाला नंबर और उससे पहले वाले नंबर को ऐड कर दीजिए, 5 और 2 7, फिर 2 और 5 को फिर से ऐड कर दीजिए तो 7, और उसके बाद फिर 5, तो लास्ट वाला नंबर और ये वाला फर्स्ट वाला नंबर दोनों ऐसे ही लिखे हुए हैं, 5 और 5, बीच वाले नंबर को कैसे करना है, इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, तो 7 7। तो ये 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 577.5। ठीक है, तो अगर वो 577.5 पे सेल करता है तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। पहले 11.11% का प्रॉफिट कब हो रहा था, जब वो 625 रुपीस में सेल कर रहा था, पर पूछा क्या है 10% प्रॉफिट कब होगा, कितने प्राइस पे बेचे, तो 577.5 पे अगर वो सेल करता है किसी किसी आर्टिकल को, तो फिर उसको मिलेगा 10% का प्रॉफिट। ठीक है, तो आज ये आपका टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और इस लेक्चर को लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।